फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। मेरठ स्थित कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार को एक तीर खिलाड़ी अरुण के सिर में जा घुसा। इस तीर को चिकित्सकों की मदद से बाहर निकाला जा सका। घायल खिलाड़ी को निकट ही स्थित सुशीला जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इन दिनों मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल सब जूनियर तीरंदाजी ट्रायल चल रहा है। प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों के ट्रायल के दौरान शाम के वक्त बागपत का नंबर था। गाजीपुर की तहसील जमानिया के गांव ढरनी से आए खिलाड़ी अरुण पाल अपने कोच चंद्र प्रकाश के साथ सीढ़ियों पर बैठने के लिए जा रहे थे। ट्रायल में जैसे ही बागपत के तीरंदाज ने तीर चलाया तो वह अरुण पाल के सिर में जा लगा। अरुण की चीख सुनकर स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई। खिलाड़ी और स्टेडियम के अधिकारी तत्काल अरुण को अस्पताल ले गए। गनीमत यह रही कि यह तीर लकड़ी का बना था, रिकर्व या कंपाउंड राउंड में इस्तेमाल होने वाला कार्बन का होता तो यह निश्चित रूप से सिर के आर पार हो जाता। बेटा क्या नाम है आपका? अरुण पाल। अरुण, क्या हुआ आपके साथ में? और वो बैठे थे पीछे से अरुण पाल। नहीं, क्या आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे? आप अपने बैठे थे। अच्छा, तो आपके पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया है आपने? ओलंपिक नहीं, हम स्टेट खेलने आए थे। अच्छा, तो नेशनल के लिए प्रैक्टिस के दौरान हुआ ये घटना? नहीं नहीं, वो हमारा मैच स्टार्ट होने वाला था तो हम लोग अपना धनुष जाकर सेट कर रहे थे। अच्छा, तुम काय के खिलाड़ी हो, किस तरीके की आप प्रैक्टिस चल रही थी? हम अभी नेशनल प्लेयर, अभी खेल कर नेशनल आए। अच्छा, सीनियर नेशनल। कहाँ के रहने वाले हो आप? गाजीपुर। गाजीपुर तो है। कितने दिन से हो? मुझे आरसी करते हुए 4 साल हो गए। चार साल आरसी करते हुए। अच्छा, तो आपके साथ में कौन कौन है फिर? हाँ, मैं और हमारे भैया कोच सर। अच्छा। और हमारे साथ 12-13 मेरे भाई है सब। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे गाँव के। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।